Murder on call with the fight now. 20 years and it seems like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fuckers tell a dinner every night? हेलो गाइस, वेलकम टू इट माय चैनल। मैं हूं कमल खोरवाल और आप देख रहे हैं स्टडी ट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की नेक्स्ट ट्रिक। सो गाइस, वेलकम इन ट्रिक्स। आज का सब्जेक्ट है जूलॉजी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि कुछ मैसेज हमारे पास आए थे। उनमें से एक मैसेज ये है कि हमें वर्टिब्रेट्स की ट्रिक चाहिए। तो मैंने ये ट्रिक वीडियो वर्टिब्रेट्स के ऊपर बनाई है। अगर आप लोगों को भी ऐसी ही कोई ट्रिक्स चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के मैसेज कर सकते हैं। क्लास 11th, चैप्टर 4, चैप्टर नेम एनिमल किंगडम और टॉपिक कॉर्डेट्स, पार्ट फर्स्ट। सो गाइस, आप देख रहे होंगे आपके सामने एक चार्ट है और ये चार्ट एनसीईआरटी के टेबल का ही है। 11th क्लास की एनसीईआरटी में आप जाकर देखोगे तो ये चार्ट सेम आपको वही चार्ट है जो आपको दिख जाएगा। एक्चुअली आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो रेड कलर का सर्कल बना हुआ है इसके अंदर क्लास साइक्लोस्टोमाटा है, इसकी ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। इसके एग्जाम्पल्स की ट्रिक समथिंग यही समझ लो आप एग्जाम्पल है, साथ में और भी कुछ इंक्लूड करा है मैंने, तो उसकी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज की लर्निंग ट्रिक लाइन बताने से पहले आप लोगों को साइक्लोस्टोमाटा क्लास के बारे में जानना होगा। साइक्लोस्टोमाटा क्लास एक्चुअली है क्या? तो आपके सामने जो लाइन लिखी है वो आप एक बार रीड कर लीजिए, और रीड करने के बाद जो मैंने रेड कलर की अंडरलाइंस की है इनके बारे में जान लीजिए। जो ये रेड कलर की अंडरलाइंस मैंने किए हैं यहाँ पे, इसी की मैंने ट्रिक बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं आज की लर्निंग ट्रिक लाइन क्या है। तो आज की लर्निंग ट्रिक लाइन है, माय ह्यूज फ्रेंड्स पेयर ऑफ 6 to 15 गर्लफ्रेंड्स मस्त इन पटियाला ऑन द साइकिल्स। आज की लर्निंग ट्रिक लाइन है ये, और अब मैं आपको बताऊंगा कि इस लर्निंग ट्रिक लाइन को किस तरह से लर्न करना है। लर्निंग ट्रिक लाइन पढ़ने के बाद अब स्टार्ट करते हैं कि इसको पढ़ना कैसे। लर्निंग ट्रिक लाइन को लर्न करने के लिए हमें यह तरीका अपनाना है। अब जैसे My huge friends, pairs of 6 to 15 girlfriends, must be in Patiala on the cycles. तो आप देखिए, my को हमने my exam कहा, my exam जो example है किसका, साइक्लोस्टोमाटा का। तो my से my exam और huge से hagfish, और अगर hag याद रह जाए fish भूल जाओ तो friends को याद करना, f से fish hagfish। ये complete है बना एक example, जिसके दोनों example जो है उसमें से ये एक example है, उस एग्जाम्पल के दो नाम थे तो दोनों हमें कंफर्म हो गए। अब आगे चलते हैं पेयर्स ऑफ 6 to 15 गर्लफ्रेंड्स। अब पेयर ऑफ 6 to 15 याद रखना आपको ये जरूरी है, क्योंकि पेयर है 6 to 15 गिल्स लिस्ट के पेयर है वो, जो रेस्पिरेशन के काम आते हैं। आपने पढ़ा ही होगा, मैंने जो बताया था अभी थोड़ी देर पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन, और नहीं पढ़ी तो दोबारा उसे देखिए या एनसीईआरटी की बुक में देखिए। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स लिस्ट थे, वो रेस्पिरेशन के लिए काम में आते हैं। तो इस तरह से आपको गिल्स लिस्ट के बारे में लर्न हुआ। फिर आगे चलते हैं मस्ती इन। तो मस्ती से याद रखना माउथ, एम से क्या याद रखोगे, माउथ। माउथ कैसा होता है, उसका सर्कुलर होता है। सर्कुलर कैसे याद रखा, क्योंकि हमें साइकिल के बारे में याद है, लास्ट में जो साइकिल वर्ड आ रहा है उसके बारे में याद है हमें। साइकिल वर्ड से हमने याद रखा साइक्लोस्टोमाटा, जो कि क्लास है। क्लास क्या है, साइक्लोस्टोमाटा। साइकिल का टायर जो होता है वो सर्कुलर होता है, होता कि नहीं होता, साइकिल का टायर सर्कुलर होता है। तो हमने माउथ क्या हुआ, उसका सर्कुलर हुआ। तो इस तरह से इस लॉजिक को देख के हमने लर्न करा माउथ सर्कुलर होता है उसका। आगे चलते हैं पटियाला ऑन द साइकिल। तो पटियाला के अंदर PAT, इसको हमने लर्न कर लिया, इससे हमें पेट्रोमाइजोन, और LA लास्ट का जो L है उससे लर्न करा लैम्प्रे।
तो इस तरह से हमें सेकंड एग्जांपल भी लाना होगा। पहला एग्जांपल कौन सा था? माइग्जान हैगफिश, और सेकंड एग्जांपल पेट्रोमाइजन लैम्प्रे। तो ये भी कंप्लीट हुआ अपना। और एक और, ये किसके एग्जांपल है सारे, इसके लिए जानने के लिए साइकिल को याद रखो। ये सारे साइकिल के एग्जांपल थे, साइकिल मतलब साइक्लोस्टोमाटा। तो इस तरह से हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया एक ही ट्रिक लाइन के अंदर। जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट बार देख रहे होंगे, शायद उन्हें ढंग से समझ नहीं आया होगा। अगर उनको अच्छे से समझना है तो हमारे प्रीवियस वीडियोस भी देखिए, उसमें भी एक तरह से यही तरीका हमने यूज़ लिया है बताने का। तो आप उन्हें देखिए, उनसे आप ज़रूर इस वीडियो के ट्रिक्स को समझ जाओगे अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास उसे शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, जहाँ आप चाहो वहाँ इस वीडियो को शेयर करो, ताकि सभी स्टूडेंट्स को पता चले लर्न करने के और भी बहुत ही आसान तरीके हैं, ट्रिक्स हैं। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारी आने वाली नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुँचेगी। अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो जैसे हम नई वीडियो डालेंगे वैसे ही आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, जैसे दिन हमने नई वीडियो डाली होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके, उससे हमारी चैनल जो है वो सब्सक्राइब हो जाएगा। सो थैंक यू एंड गुड बाय।